नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं। जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज हम प्रधान यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है।